हेलो दोस्तों, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में अलामंडा वाइन की केयर टिप्स शेयर करूंगी कि मैंने उसको किस तरीके से लगाया था और इस टाइम पर हमको उसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए। उसके पहले जो है, आप देख रहे हैं मेरे मल्टीपल पेटल का ये हिबिस्कस है जो कटिंग से लगा हुआ है। तो हिबिस्कस जो है बेस्ट टाइम है, अभी कटिंग से आप लगा सकते हैं। अगर अभी से लगा देंगे तो बारिश के सीज़न में जो है इनकी कटिंग जो है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी और बारिश में ही ये प्लांट जो है आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इस टाइम पर आप हिबिस्कस की, आपके पास में जो भी वेराइटी हो या नेबर्स के पास ही हो या कहीं से भी आपको कटिंग मिलती है, चाहे वो देसी हिबिस्कस ही हो, हिबिस्कस सभी खूबसूरत होते हैं। फ्लावर जो है सभी के कलर्स जो है बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उनको जो है आप लगा सकते हैं। तो मैं आती हूँ फ्रेंड्स अपने मेन टॉपिक पर। उसके पहले आप देख सकते हैं बोगनविला। बोगनविला में जो है मुझे फर्स्ट जो है इसका जो है सेंटर का पार्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो है सेंटर में भी एक छोटा सा फ्लावर बना हुआ होता है और सभी में इसी तरीके का है। बोगनविला में भी दो तीन वेराइटी आती हैं, हाईब्रिड आती है, देसी वेराइटी। ये मेरी नॉर्मल वेराइटी है और एक आती है वो गुच्छों में फ्लावरिंग करती है, तो उसको भी मुझे मिल जाएगा तो मैं कटिंग से ज़रूर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरी अलामंडा वाइन है जो नीचे से मैंने छोटे से पॉट में लगा कर रखी हुई है, जो कि एक मिट्टी का पॉट है और इसी में लगाई हुई है। और ये प्लांट जो है मेरा 1.5 साल पुराना प्लांट है, तो इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन जो है नेट गिरने की वजह से, नेट के साथ में बैम्बू गिर गया, तो उसके वजह से जो है प्लांट जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया है। लेकिन फ्लावरिंग जो है इसकी बंद नहीं हुई है। फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं। तो अलामंडा में जो है 3-4 वेराइटी आती हैं, कलर भी आते हैं, तो ये एक अलग कलर है। और जो अलामंडा बुश होता है वो थोड़ा सा हल्दी कलर होता है, ये अलग येलो कलर का है। और एक अलामंडा का प्लांट भी होता है जो मेरे पास में है, पिंक, लाइट पिंक कलर का, और एक थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्किश होता है, पिंक पर्पल कलर होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है 2-3 वेराइटी ही मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलामंडा की वाइन है। तो इसकी मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, मिट्टी किस तरीके से बनानी है। मिट्टी जो है इनकी बहुत ज़्यादा वेल्डन नहीं बनानी है, मैंने खाली मिट्टी, सैंड और राइस हस्क का मिक्सचर बनाया है। और जब मैं इनमें फर्टिलाइज़र देती हूँ तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ समर्स में। तो जो है इसी तरीके से मिट्टी बनानी है। उसके बाद में जो है आप इनके पॉट का साइज़ अपने प्लांट के हिसाब से, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि प्लांट के हिसाब से अपने पॉट का साइज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग जो है वाइन है, इसको जो है आप गेट पर, अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं या टेरेस पर कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चल जाती है। आप चाहें तो इसको जो है छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है अच्छी होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र जो है इनको मिलते रहना चाहिए। बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं, लेकिन जो है नॉर्मल फर्टिलाइज़र होते हैं वो मिलते रहना चाहिए। और इस तरीके के फ्लावर को आपको निकालते रहना है, तो रोज़ ही फ्लावर इसमें ब्लूम होते हैं, रोज़ ही इस तरीके से कट करने पड़ते हैं। अभी भी ब्लूम हो रहे हैं। और उसके बाद मैं कटिंग की बात करूं कि प्रोपोगेशन इनकी कैसे करनी है, तो प्रोपोगेशन इनकी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाती है। इस तरीके की सेमी बोट कटिंग लें आप, और ऐसे नोड एरिया होने चाहिए, तो इनकी कटिंग जो है आप आराम से लगा सकते हैं सैंड में। सैंड और सॉइल का मिक्स रहेगा तब भी ये फ्लावरिंग प्लांट जो है बहुत अच्छे से लग जाते हैं। उसके बाद में जो है थोड़ा सा इनमें जो है इस तरीके से दूध की तरह निकलता है, तो इससे थोड़ा सा बचा के रखें, क्योंकि इस प्रकार के जो लिक्विड निकलते हैं ये किसी भी प्लांट के भी हों अच्छे नहीं होते हैं। तो जब भी इनको आप टच करें या इसका हाथ में लग जाए लिक्विड, तो आप इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद मैं प्राइस की बात करूं तो आपको ये अभी आप नर्सरी जाएंगे तो 40 या 30 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत ही हार्डी बेल होती है, एक बेलनुमा प्लांट है जो बहुत अच्छा लगता है। आप इसको इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। मेरा जो प्लांट जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया है, लेकिन बारिश गिरेगी तो ये प्लांट जो है वो और भी अच्छा बुशी हो जाएगा, और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी इसमें। और इसी तरीके से केयर करनी है फ्रेंड्स। समर का प्लांट है तो फुल धूप में ही रखा जाता है, फुल सनलाइट में ही मेरा ये प्लांट रहता है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसी के साथ में जो है ये गिलोय की बेल भी साथ में ही चल रही है, तो दोनों का मिक्सचर है ये, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इसको जो है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी है और पूरे साल ही रहता है। बस विंटर में जो है ये ब्लूम नहीं करता है, समर और जो है रेनी सीजन में ये काफ़ी अच्छा ब्लूम करता है।
और इसी तरीके से गुच्छे में फ्लावर आते हैं, एक फ्लावर ख़त्म होगा तो दूसरा फ्लावर जो है ब्लूम हो जाता है। इनके फ्लावर जो है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनका कोई विशेष मेंटेनेंस भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट हैं। तो बस आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।